विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सिंप्लीफाई का एग्जांपल है, तो गिवन है 1000 टू द पावर 200 होल डिवाइडेड बाय 2000 टू द पावर 100। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें ये 200 है, इसे हम ये 1000 एज वेल लिख लो, तो पावर में 2 तो 200 है, तो 2 इंटू 100 हम लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाई 2000 टू द पावर 100 एज वेल। This equals, so this equals a 1000 to the power 100 लिख लो, divided by a 2000 to the power 100 as well। पावर यूज कर दो इसमें, तो ये बनते a to the power m into n, अगर रहा तो a to the power m होल टू द पावर ऑफ n बनते, और इसे a to the power of a n भी बनते, होल टू द पावर ऑफ m भी बनते। तो 1000 टू द पावर स्क्वेयर होल टू द पावर 100 बनाया ऊपर इसका, तो डिवाइडेड बाय 2000 टू द पावर 100। अब ये 1000 स्क्वेयर कितना होता है, 1000 स्क्वेयर में 30 है, 1 होने के बाद ये 30 है, तो स्क्वेयर है तो 60 कर दो, 1 2 3 4 5 6, यानी 1000 का स्क्वेयर क्या होते हैं, 10 लाख टू द पावर, स्क्वेयर तो गया फिर ऊपर का 100 एज यूजुअल, डिवाइडेड बाय 2000 टू द पावर 100 एज यूजुअल। तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर आइए, 10 लाख टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 2000 टू द पावर 100। तो ये बन गया a टू द पावर ऑफ x होल डिवाइडेड बाय b टू द पावर ऑफ x के फॉर्म में है, तो इसे हम a डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर ऑफ x कर सकते हैं। तो इसका मतलब दिस इक्वल्स 10 लाख डिवाइडेड बाय 2000 टू द पावर, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है पावर में, इसलिए इसको एक ही 100 आ जाएगा। ये 0 कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया, ये भी जाएगा, ये भी गया, ये भी गया, तभी यहाँ कर क्या बच रहे, अभी 1000 ऊपर बच रहे, डिवाइडेड बाई नीचे 2 बच रहे, होल टू द पावर 100। तो हमें मालूम है 1000 डिवाइड बाई 2 मीन्स 500 होते हैं, दिस इक्वल्स, ठीक है, तो 500 टू द पावर 100 रिमेनिंग रहा है। तो 500 टू द पावर 100 जो है, यही हमारा इसका आंसर है, 500 टू द पावर 100, 500 टू द पावर 100। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।